दोस्तों क्या आपको पता है कि YouTube का फर्स्ट पेमेंट कितना आता है बैंक अकाउंट पे, मतलब Google AdSense से बैंक अकाउंट में आने के लिए मिनिमम कितना डॉलर होना पड़ता है और इस डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या होता है, बैंक आपका कितना चार्जेस करता है, फीस काटता है, GST आपको कितना लगता है और ये बैंक अकाउंट ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगता है क्योंकि ये इंटरनेशनल पेमेंट है और ऊपर RBI का गाइडलाइंस भी है, आपको डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है क्योंकि फाइनेंशियल टेररिज्म होता है, तो ये सब आपको नहीं पता ना, तो वही मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा पूरा, लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए, आपको जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। बल्ले बल्ले ऐ बल्ले बल्ले ऐ साबा साबा ऐ साबा साबा ये बल्ले बल्ले, तो ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के ये। तो दोस्तों मतलब इतना थक गया हूँ मैं, बहुत देर से ना जा रहा हूँ, इतना खुशी, इतना एक्साइटमेंट, हार्ट बीट भी हाई हो गया और थोड़ा पहले पानी पीते हैं, रिलैक्स करते हैं, उसके बाद आपके साथ बढ़िया से बात करते हैं। इतना गर्मी, तो दोस्तों क्या बताओ, कोई वर्ड्स नहीं आ रहे, इतना खुशी, इतना एक्साइटमेंट और हार्ट बीट भी हाई हो गया। आप लोग को भी पता चल गया होगा, आपने थंबनेल देख लिया है। तो दोस्तों YouTube का जो मेरा फर्स्ट पेमेंट हुआ मेरा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, मतलब पहले Google AdSense से ट्रांसफर हुआ, फिर बीच में कुछ प्रोसेस, उसके बाद बैंक अकाउंट में आया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, मेरे वीडियोज़ को देखे, वीडियोज़ को लाइक भी किए और वो जनता मेरे वीडियोज़ को शेयर भी करते, चैनल को भी सब्सक्राइब किए हैं और इतना प्यारा प्यारा बढ़िया बढ़िया कमेंट्स, तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है और तो पूरा दिल खुश हो जाता है। तो सबको मैं वेरी वेरी थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कहना चाहूँगा। और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मतलब अगर इस वीडियो का शुरुआत में देखे हैं तो ये मेरा ब्लॉग नंबर 199 है, मतलब 199 ब्लॉग मेरा यूट्यूब में हो गया, तो मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा कि वीडियो डालते डालते इतना वीडियो होगा। इसके बाद पता जो होगा ब्लॉग नंबर 200, मतलब डबल सेंचुरी, तो उसमें एक चीज़ मैं अनवील करूँगा, अभी तक मैंने उसको सस्पेंस रखा, सरप्राइज बाइक रिलेटेड, तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग मतलब डबल सेंचुरी वाला ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और जो मेरा जो YouTube का जो पेमेंट हुआ 21 मार्च 2021 को, मतलब YouTube का जो पेमेंट साइकिल है 21 से लेकर 26 तक, उसके बाद मेरे को ईमेल वगैरह आया, इनवर्ड रेमिटेंस का फिर डिक्लेरेशन देना पड़ता है क्योंकि जो RBI का गाइडलाइन है कि बाहर से पैसा आ रहा है भाई डिक्लेरेशन दो, क्योंकि फाइनेंशियल टेररिज्म होता है, बाहर से पैसा आता है तो फिर आतंकवाद मतलब टेररिज्म वगैरह होता है, तो इसके लिए ये रूल है। उसके बाद जो हुआ सब कुछ प्रोसेस होने के बाद फाइनली 24 तारीख को, मतलब 24 मार्च 2021 को मेरा बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा क्या क्या ईमेल आया, मैसेजेस आया, तो नोटिफिकेशन आया फ्रॉम YouTube, Google AdSense और जो हम लोग का बैंक से, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगे, मोटिवेशन भी मिले और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा कि अगर आप यूट्यूबर है तो आपको भी सुविधा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसके लिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और शुरू करते हैं। गूगल एडसेंस पेमेंट थ्रेशोल्ड वैल्यूज पर करेंसी है $100, मतलब आपके एडसेंस अकाउंट में मिनिमम $100 होने पे आपका बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा और आप चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, अपने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन करके पेमेंट्स मेनू में जाके पेमेंट शेड्यूल को एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल एडसेंस से मुझे एक ईमेल रिसीव हुआ है, चेक योर रिसेंट पेमेंट, और ये जो ईमेल आया है payments-no-reply@google.com, तो यहाँ पे जो लिखा है वी सेंट अ पेमेंट फॉर योर एडसेंस अर्निंग्स ऑन मार्च 21 को मुझे गूगल एडसेंस ने फर्स्ट पेमेंट भेजा। एक्चुअली गूगल एडसेंस का जो पेमेंट साइकिल होता है 21 से लेकर 26 ऑफ एवरी मंथ, तो मुझे पहले ही दिन भेजा। उसके बाद मैंने अपना गूगल एडसेंस आईडी पे लॉगिन किया और पेमेंट सेक्शन में किया और अपना जो ट्रांजेक्शन है उसको व्यू किया, तो यहाँ पे देखा मैंने 21 मार्च 2021 को एक ट्रांजैक्शन हुआ है और डिस्क्रिप्शन में लिख रहा है ऑटोमेटिक पेमेंट बैंक ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे जो मेरा $110.98 जो था वो माइनस हो चुका है, तो इसका मतलब उन्होंने मेरे बैंक पे ये भेज दिया है। और ये जो डिस्क्रिप्शन है ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये एक लिंक है, इसको आप क्लिक करने से आपको पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट ऐसा आता है और इसको चाहे तो आप ब्राउज़र से प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर PDF सेव करके भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद 23 मार्च 2021 को मेरे को एक बैंक से ईमेल रिसीव हुआ है, FCY इनवर्ड, मतलब फॉरेन करेंसी इनवर्ड फॉर अकाउंट नंबर, और $110.98, तो ये जो है एक्चुअली इनवर्ड रेमिटेंस का मेल है बैंक से,
तो इसमें बहुत सारे मेरे डिटेल्स हैं, मैं दिखा नहीं सकूंगा। तो इस मेल का मेन पर्पस होता है कि आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि क्यों बाहर से आपका पैसा आया। तो यहाँ पे जो है स्विफ्ट पर्पस जो लिखा रहता है वो है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। तो यही कारण जो है आपको बैंक में डिक्लेयर करना पड़ता है कि कहाँ से ये पैसा आया, क्यों आया। तो फिनेंशियल टेररिज्म आप लोग जानते हैं, तो इसके लिए RBI का ये रूल है, आपको करना ही पड़ेगा। और इसमें वही लिखा रहता है कि आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बैंक में या फिर ब्रांच में जाकर। तो मैंने उस दिन वेट किया तो बैंक से कोई कॉल वगैरह नहीं आया। तो उसके फिर दूसरे दिन 24 मार्च 2021 को मैंने अपना बैंक में जाके ब्रांच में विजिट किया और वहाँ पे फ्रंट डेस्क से बात किया। फिर उन्होंने कैशियर के पास भेजा, कैशियर लोग बहुत बिजी था। तो फिर फाइनली मैंने BM से मीट किया, मतलब ब्रांच मैनेजर से। तो उन्होंने कहा है कि ये इसके लिए आपको बैंक में नहीं आने से भी होगा, हम लोग का बैंक में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। कोई कोई बैंक में जाके आपको साइन करना पड़ता है, डिक्लेरेशन देना पड़ता है, तो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो उन्होंने बोला कि आप घर चले जाइए, दोपहर को कॉल कीजिएगा, हम लोग वेरिफिकेशन कर देंगे। तो फिर मैंने घर आके फिर उन्होंने दोपहर में कॉल किया और जो पर्पस है मैंने कहा कि ये इंटरनेट एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है, ये मेरे गूगल एडसेंस से आया है, यूट्यूब अर्निंग से। तो उन्होंने तुरंत कन्फर्म कर दिया। और उसके बाद ठीक एक घंटा बाद मेरे को बैंक से और एक ईमेल रिसीव हुआ और उसमें लिखा था कि मेरा जो अमाउंट है फाइनली मेरा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है 24 मार्च 2021 को। उसके बाद मुझे और एक इनवर्ट रेमिटेंस से ईमेल आया है उसी दिन 24 मार्च रात के 9 बजे और यहाँ पर लिखा था डेबिट कम क्रेडिट एडवाइस फॉर FCY इनवर्ट रेमिटेंस। और इस ईमेल में एक PDF भी था। PDF को खोलते लिखा था सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन इनवर्ट रेमिटेंस प्लस GST इनवॉइस। तो इसी बिल में इस ट्रांजैक्शन का सारा डिटेल्स था। तो जब गूगल एडसेंस से पैसा ट्रांसफ़र हुआ वो डेट था 21 मार्च 2021 और उसके बाद जब इंडिया में पैसा बैंक में आया वो डेट था 22 मार्च 2021, यही इसका वैल्यू डेट है। उसके बाद मेरे को इनवर्ट रेमिटेंस का ईमेल आया 23 मार्च 2021 और उसके बाद मैंने दूसरा दिन ब्रांच में किया और डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट किया, वो डेट था 24 मार्च 2021। तो यही इसका क्रेडिट डेट है। इसी डेट के हिसाब से एक्सचेंज रेट पड़ता है। तो मुझे जो पड़ा था 71 रुपीज़ 41 पैसा पर डॉलर। तो उस दिन मैंने गूगल में सर्च किया था तो डॉलर का जो रेट था 24 मार्च 2021 को 72 रुपीज़ 63 पैसा, लेकिन वो लोग कुछ अप्रॉक्सीमेटली 1 रुपीज़ 20 पैसा ऐसा काट लेता है, ये लोग का सिस्टम है। तो अगर आप ट्रांजैक्शन का ये सब रेट देखना चाहते हैं तो आप बैंक का वेबसाइट में जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रेजरी फोरेक्स कार्ड रेट्स। और देखिए यहाँ पे इनवर्ट रेमिटेंस का रेट दिया हुआ है 71 रुपीज़ 41 पैसे और आउटवर्ट रेमिटेंस का रेट दिया है 73 रुपीज़ 70 पैसे। तो ऐसे ही कुछ जब इनवर्ट मतलब पैसा जब घुसता है तो लोग 1 रुपया 20 पैसे अप्रॉक्सीमेटली काट लेता है, 1 रुपीज़ 20 पैसे अप्रॉक्सीमेटली। और जब पैसा बाहर जाता है तो लोग रेट ज़्यादा लेता है, 1 रुपया 20 पैसे से मतलब 1 रुपीज़ 20 पैसे अप्रॉक्सीमेटली। तो यही लोग का सिस्टम है। और जो मुझे टैक्स वगैरह पड़ा था तो इसका जो वैल्यू ऑफ सर्विस था 250 रुपये, ये वो लोग नहीं काटा, लेकिन इसका GST काट लिया। इस वैल्यू ऑफ सर्विस का 18% CGST 9% SGST 9%। तो 250 रुपये का 9% मतलब 22 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास, तो टोटल मिला के 45 रुपीज़ GST काटा। तो टोटल जो मुझे एक्सचेंज रेट काटा और ये जो सर्विस चार्ज मतलब GST पड़ा, सब मिला के 180 रुपीज़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली लोग काटा। और उसके बाद जो फाइनल अमाउंट मुझे घुसा वो है 7925.08 रुपीज़। और ये पैसा आने में पूरा 4 दिन लगा, 21 से लेके 24 मार्च 2021। तो दोस्तों आशा करता आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूट्यूब के जितने सारे पेमेंट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप नए यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आपको मदद मिलेगा, जब आपके साथ ये सब होगा तो आपको हेल्प मिलेगा। तो शुरू में जब मैं नया था तो मुझे सब कुछ पता नहीं था, क्या एडसेंस, क्या अर्निंग्स, क्या बैंक अकाउंट, पेमेंट, टैक्स इनको कुछ नहीं पता था। तो धीरे धीरे करते करते मेहनत करते करते आज यहाँ तक पहुँच किया और मुझे जो जो मेरे साथ होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको भी मदद मिले। तो दोस्तों मेरे चैनल में हर तरह का कंटेंट है, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, टेक्निकल, और मैं ऐसा वीडियोस बनाता हूँ कि आपको एंटरटेनमेंट में मिले, इंटरेस्टिंग भी लगे, इन्फॉर्मेटिव भी लगे और आपको मोटिवेशन में मिले। तो सिर्फ जब आप यूट्यूब में मेहनत करेंगे दो चीज़ का ख्याल रखिएगा, कॉपीराइट गाइडलाइंस एंड कम्युनिटी गाइडलाइंस, ये बहुत स्ट्रिक्ट है यूट्यूब में।
तो दोस्तों अगर इस तरह का और इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं, चैनल में नया है, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और ऑल वाला नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन मुझे ऐसे में वीडियो प्रोड्यूस करूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और अपने सर्कल में थोड़ा शेयर भी कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फ्रेंड्स जैसा टुडे बाय बाय, टेक केयर, वीडियो वेरी सून, डिलिंग भी हैप्पी बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बने रहिए, डबल सेंचुरी वाला ब्लॉग है, 200 नंबर ब्लॉग, और उसमें एक चीज मैं अनवील करूंगा जो सस्पेंस रखा हूँ, एक सरप्राइज रिलेटेड टू बाइक। तो बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।